अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मजे में होंगे। तो आज 12वीं इफ्तारी है, ठीक है। इफ्तारी में मैं रोजाना व्लॉग शुरू कर रही हूँ क्योंकि पूरा होल डे बहुत ही ज्यादा बिजी निकल रहा है। और ये है जी अब्दुल हादी और ये है शहजादी, हम बैठे हुए आराम से। अबू भी यहाँ पर फ्रेश हो चुके थे, ऑयलिंग वगैरह कर दी अबू के बालों पर, और दस्तरखान की भी तैयारी बस हो रही है। तो चलिए जल्दी फटाफट हम रोजाना की तरह तैयारी कर लें, फिर मैं पूरा दस्तरखान जी। तो बस अब दुआ का टाइम है और फटाफट चले हम दुआ भी पढ़ते हैं। और यहाँ जो आ चुके हैं दही बड़े और गोल गप्पे। और ये दही बड़े जी। चले जी, तो बस अब दुआ पढ़ते हैं, तैयारियाँ करते हैं, बस कुछ चीजें थोड़ी बहुत। चले जी, तो ब्रेड रोल बनाने के लिए यानी कि ब्रेड चीज़ रोल बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो सबसे पहले वो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या पहले इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं। हमने एक पैन ले लेना है, उसमें थोड़ा सा 3 टेबल स्पून जितना हमने ऑयल ऐड कर देना है, उसमें चिकन का रेशा करके डाल देना है। चिकन कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ 300 ग्राम चिकन थी, उसके अंदर मैंने 2 कैप्सिकम इस तरह से बारीक बारीक कट करके डाल दिए थे। अब जो है इसको 10 मिनट के लिए जो है हमने इसको अच्छी तरह से कुक कर लेना है। फिर जो है हमें यहाँ पर ऐड करें 3 टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला, शान का आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून जो है मैंने यहाँ पर चिकन टिक्का मसाला ऐड किया, और थोड़ा सा हमने इसके अंदर ऐड करना है 1.5 टेबल स्पून चिल्ली सॉस और सोया सॉस 1.5 टेबल स्पून, और चिल्ली सॉस जो है 2 टेबल स्पून हमने ऐड कर देनी है। इसके बाद जो है मैंने थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च इसके अंदर ऐड की है, बहुत ही थोड़ी सी, अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है मैंने 2 टेबल स्पून जितनी मैंने इसके अंदर मायोनीज ऐड की है, यंग्स की मायोनीज थी, तो वो मिक्स करके इसको हमने 5 मिनट के लिए कुक कर लेना है अच्छी तरह से, ज़्यादा कुक नहीं करना है। फिर जो होता है वो मसाला जो बिल्कुल टेस्ट उसका ख़त्म हो जाता है मायोनीज का, फिर वो मज़ा नहीं आता। फिर इसके बाद जो है हमने फ्लेम को बंद कर देना है, उसको साइड पे रख देना है, और इस तरह से जो है हमने स्लाइसेस लेने हैं और स्लाइसेस को कॉर्नर से कट कर देना है। और इसके जो स्लाइसेस के कॉर्नर्स होते हैं इसको हमने फेंकना नहीं है, इसका जो है हमने ब्रेड क्रम्स बना लेना है, और बहुत ही मज़े का ब्रेड क्रम्स बनता है इसका, घर में आप खुद तैयार करें। अब जो इस तरह से हमने अच्छी तरह से इसको बेलना है, बेलना इस तरह से कि इसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से बेल जाए, ताकि जो हमारी फीलिंग जो है बहुत अच्छे से इसके अंदर हो जाए, कोट बहुत अच्छे से हो जाए। और ये जब हम फ्राई करें तो इसका जो कोटिंग होती है, जो मसाला होता है, वो स्लाइसेस से बाहर नहीं आएंगे। तो इसके जो साइड के कॉर्नर्स होते हैं उसको बहुत ही बारीक उसको कर देना है, और फिर आपने इसके अंदर ये मसाला ऐड करके इस तरह से आपने सारे रोल तैयार कर लेने हैं। इसी तरह आपने सारे स्लाइसेस के अंदर चिकन का मसाला ऐड कर देना है, और मोज़रेला चेडर चीज़ को रख कर इस तरह से बंद कर देना है अंडे से। और यहाँ जी ये देखें, इस तरह से आपने सारे ब्रेड रोल्स तैयार कर लेने हैं, इसको हम कहेंगे चीज़ ब्रेड रोल्स, ठीक। तो और फिर इस तरह से अंडे में ऐड करना है, ब्रेड क्रम्स में ऐड करना है, इसको कोट करना है, अच्छी तरह से कोट करना है ब्रेड क्रम्स में, ताकि जब ये ऑयल में फ्राई हो तो ये टूटे नहीं, और बहुत अच्छे और क्रिस्पी तरीके से तैयार हो। आपने एक दिन के लिए इसको फ्रीज कर देना है, ताकि ये जो है सारी चीज़ें इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, और नेक्स्ट डे आपने इसको फ्राई करना है। चले जी, तो इस तरह से सारे ब्रेड रोल तैयार करके अब जो है मैं इसको फ्रीज कर दूंगी, और कल की इफ्तार में जो है हम इसको फ्राई करेंगे, बहुत क्रिस्पी बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बहुत मज़े के बनते हैं।
चले जी, तो ये सारे रोल जो है हमने ब्रेड रोल इस तरह से सारे तैयार कर लेने हैं और मैं इसका फाइनल रिजल्ट भी आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत ही मज़े के बने थे, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने थे। और चले जी, तो ये देखें यहाँ पर जो है इसको खोल के मैं दिखा रही हूँ। ये ये यहाँ पे सारे के सारे लूडो खेल रहे हैं, मेरी अम्मी, खाला, शिजाद, ये मेरी बड़ी मम्मी को दे, मेरी भाई ये ना करो पहले मत चढ़ी ने वीडियो क्या को पाइबो करते हैं यहीं पर एंड बस नमाज वगैरह पढ़े, सहरी भी हो गए, बहुत सुकून से ठीक है, कुरान पढ़ूंगी, नमाज पढ़ूंगी और फिर सोने की तैयारी। तो आई होप आपको रेसिपी बहुत अच्छी से समझ आ गई होगी, आप जरूर ट्राई कीजिएगा ठीक है। फिर मैं बताऊंगी कल इसका फाइनल रिजल्ट। जो मैंने ब्रेड रोल बना के रखे हैं उसको फ्रीज करके रख दिया है, फिर अब कल की इफ्तार में मैं इसको ट्राई करूंगी। और चैनल आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कॉमेंट करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।